हेलो मैडम, क्या है ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है? क्यों क्यों बोले तो तुम क्लास क्यों ढूंढ रहे हो? अरे अपुन को लेट हो रहा है ना। किस बात के लिए? क्लास के लिए, आज अपुन का पहला दिन है। लेकिन तुम क्लास में क्या करोगे? अपुन स्टूडेंट है ना। तुम स्टूडेंट हो? एंट्री के एग्जाम में टॉप किया ला अपुन ने। क्लास किधर है? हेलो, क्लास किधर है? तुम स्टूडेंट हो? एक काम करो, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुमन। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, अपुन ढूंढेगा। ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है? आगे सर, लेफ्ट में। क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज एंड आई एम जे डॉट अस्थाना, द डीन ऑफ दिस कॉलेज। प्लीज सिट डाउन। मैं आज आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बेहतरीन डॉक्टर्स इसी हॉल में, इन्हीं बेंचेस पे कभी बैठा करते थे, जैसे आज आप बैठे हैं। ये सर्किट अक्की मुंबई में तेरे को यही कॉलेज मिला था क्या? आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस 125 साल पुराने इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अरे अपुन के सामने खड़ा है, कुछ ना कुछ बकरे लाए। दिस इंस्टीट्यूट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर्स, नो ग्रेट डॉक्टर्स। आप में से कौन अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है? यस यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी डॉक्टर बनोगी? यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। गुड, क्यों तुम में ऐसी क्या खास बात है? सर आई लव पीपल। मुझे लगता है कि मैं पेशेंट्स के दर्द को खुद महसूस कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं, एक दोस्त बनकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। वी आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। मैंने अपने 25 साल के करियर में किसी पेशेंट से दोस्ती नहीं की, किसी पेशेंट का दर्द महसूस नहीं किया, सिर्फ उस दर्द का इलाज किया। एंड आई हैव डन वेल। आई डू नॉट लव माय पेशेंट्स। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। इस हाथ को देखो, रॉक स्टेडी। हजारों ऑपरेशन किए इन हाथों ने, लेकिन ये हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूं तो ये हाथ जरूर कांपेंगे। क्यों? इसलिए कि मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूं। पेशेंट से दोस्ती, हमदर्दी, लगाव एक डॉक्टर की कमजोरी है। अगले 5 साल तुम्हें यही सिखाया जाएगा कि डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ एक बीमार शरीर है और कुछ नहीं। आई लाइक टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस, वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? हमारी क्लासेस कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच। अब इसे जरा ध्यान से देखें, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। हिज सेंसेस आर ऑल डेड। ये जिंदा तो है फिर भी जिंदा नहीं है। नाउ सी, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, मैं जब इनकी आंखों में रोशनी डालता हूं पुतलियां सिकुड़ रही हैं लेकिन सब्जेक्ट पलक तक नहीं झपकता। ए बॉस, ए हेलो,
ए टॉर्च बंद करना। क्यों? अरे लाइट पड़ता है, तकलीफ होगी ना। अरे तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? आनंद, आनंद बैनर्जी है इनका नाम। अरे इतना बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी इज्जत से तो बात कर। अरे क्यों इमोशनल हो रहे हो है? अरे मैं कह रहा हूं ना, हम यहां जो भी बातें कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचती। रिलैक्स, सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए आपके मेडिकल करियर में ऐसे सवाल आपके सामने कई बार आएंगे। अब आप ही बताइए, एक ऐसा इंसान जो कभी नींद से जाग ही नहीं सकता, क्या उसे दवाई देकर जिंदा रखना ठीक होगा? वो भी अपने जैसे देश में जहां हॉस्पिटल्स की इतनी कमी है, वहां पिछले 12 साल से सब्जेक्ट ने एक बेड ऑक्यूपाई कर रखा। तेरी भैंस की आंख, तेरे को बेड की पड़ी है, तेरे को कैसे मालूम कि जागने की उम्मीद नहीं है? हां अरे क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। तू भगवान तो नहीं ना? क्या तू इनके भेजे में घुसा था? दू क्या एक रख के इल्तकास। तेरे को जो भी बोलने का बोल। चलो आनंद भाई, क्या 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 कर रहे हो तुम? कहां ले जा रहे हो उसे? आनंद भाई बुरा नहीं मानेगा, 2-2.5 किताब पढ़ के ये साले डॉक्टर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। तुमको कोई टेंशन दिया ना तो अपन को बोलने का। बहुत टाइम होता है आनंद भाई, तुम बोर नहीं हुआ क्या? ये डॉक्टर हेडफोन देना। ये आनंद भाई, ये आनंद भाई सुनना, तेरा दिल क्या मस्त धक धक कर रहा है, ये लो सुनो। आनंद भाई तुम एकदम 100% जिंदा है, कोई कुछ भी बोले ना तो उसको अपनी दिल की आवाज सुना देना, ओके? ये संभाल के काटने का, 12 साल से उसरा नहीं लगेला है। आनंद भाई एकदम चिकना होने का, बाहर सनलाइट में जाने का, बोले तो विटामिन डी मिलता है क्या? वो टोंडा सबको बोलते फिर लाए के मुन्ना भाई से काम नहीं होगा, अभी आप उनको बोलने का काम के लिए। अभी मैं पढ़ाई करूँ या तेरा काम देखूँ? यार सुन, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए लाए, याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। आइला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे कि कभी बोल ना मेरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो? अरे जो भी देखो तो क्लास से निकाल देता है साला। देखो सारे डॉक्टर्स तुमसे नाराज हैं, तुम प्लीज पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। भाई ओ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुरली, मुरली तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो आनंद भाई, सब नर्सेस की वाट लगने वाली है। ए इधर आओ, इधर आओ। ए देखो आनंद भाई क्या लग रहा है। ए आनंद भाई घूमने चलते हैं, ये सब भी खाते ना। अरे वाह, ए आनंद भाई तुम भी देखो ना। आनंद भाई क्या मस्त शक्ल दाढ़ी के लिए छुआ रहा। मुरली ये क्या तमाशा है, तुम प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। अच्छा देखो तुम पढ़ाई करो, एग्जाम में पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चिंकी से जरूर मिलाऊंगी। पास तो अपन हो ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं अपन को। ये बहुत गलत है सुमन जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। शी इज स्केयर्ड मुन्ना, वो तुमसे मिलना चाहती है, पर तुम जानते हो कि डॉक्टर अस्थाना तुमसे कितना नाराज है। क्या दुखी आत्मा है साला, एक नंबर का रोतलू है, कोई साला उसको झप्पी क्यों नहीं देता? झप्पी बोले तो कस के गले लगाने का, अपुन की माँ उसको जादू की झप्पी बोलती है, सब टेंशन खलास। ए, रुक जा, दिखता नहीं गीला है, एक जाएगी तो अभी दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है, हम इंसान है कि मशीन, कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा दिन भर झाड़ू मारता रहूंगा, सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी, तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा, सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा, 20 साल से तो सुनता आया है। काका नाम क्या है तुम्हारा? क्यों कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का।
सच्ची। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, तुम साला सबका कचरपट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है, थैंक यू मकसूद है। चल बस रुलाएगा क्या, काम करने दे जा। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा साहब। चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की छप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। सुमन जी सच बोल रहा हूं,